अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रू मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.16 को। ठीक है, इसमें हमने वेरीफाई करना है कि हमारे पास तीन सेट दिए हुए हैं। ठीक है, हमने ए हमें दिया है, बी दिया है और हमें एक यूनिवर्सल सेट यू दिया है। हमने वेरीफाई करना है डी मार्गन्स लॉ को। ठीक है, डी मार्गन्स लॉ क्या होती है, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे भी इसको आप अच्छे से फोकस करें, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस लेक्चर को। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ आएगी, ये नहीं कि आप हाफ वीडियो देख के आगे भाग जाएँ तो आपको कुछ भी पले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो बेटा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो नेक्स्ट भी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो बेटा सबसे पहले तो इसका हमने लिखना है जो सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो दो होते हैं डी मार्गन्स लॉ वो है, तो उसको मैं लिखता हूँ। एक तो हमारे पास यूनियन का होता है, ठीक है, एक होता है जी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, और दूसरा जो है वो हमारे पास होगा, इसी का मैं सेकंड यहां पे लिखता हूं, सेकंड हमारे पास होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेटा हमारे पास दो डी मार्गन्स लॉ है जिनको हमने जो है वो नेक्स्ट सेटिस्फाई इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई बाय विन डायग्राम भी इसको शो करवाना है हमने, वेरीफाई वैसे भी करना है। ठीक है, तो बेटा फर्स्टली हम यहां पे साइड पे एक विन डायग्राम बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल शेप मैंने बना ली है। ठीक है, इसके अंदर दो सेट हैं, ये सपोज कर लें ये हमारे पास जो है वो सेट यू होगा, ये जो सेट है मेरे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक हो गया, अभी इनको मैं इनके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करने वाला, अभी जस्ट मैंने बनाए हैं ये। ठीक है, अब हम इसी का जो सेकंड जो हमारे पास इसका है, फर्स्ट को कर लेते हैं पहले। चलें जी फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को हमने लिखा, फर्स्ट का इसको लिखा आपने जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, जब दोनों का आंसर सेम आएगा तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सही होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी ले लें जी। पहले ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू हमारे पास है ये दी हुई है 1, 3, 5, 7 अपसोन ये 13 तक, मीन्स के इसमें ऑड नंबर है। इसका हमने करना है जी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करना है हमने बी के साथ, बी की वैल्यू लिखें 2, 4, 6 अपसोन ये आपने 14 तक इसको लिखना है। ठीक है, तो इसमें बेटा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, ये इंटरसेक्शन को बेटा उर्दू में तुकाते बोलते हैं, ए तुकाता बी, इनमें जो चीज़ें कॉमन है वो आ जाएंगी। अब इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब बेटा इन दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास जो है वो ऐसे एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसका लेना है जी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इसका जब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बेटा इक्वल होता है, जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसे आप यू में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको हमने किया यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, इसका हम लेते हैं जी, इसमें से इसको माइनस करते हैं, पहले यू सेट लिखा 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन ये आ जाएगा जी 15 तक। ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी सेट था, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पता नहीं चलता कि जब एक सेट एम्प्टी आ जाए और एक हमारे पास कोई सेट हो तो फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे। बेटा जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं इस सेट में भी होंगे, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स यहाँ भी हैं लेकिन यहाँ नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, अब ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया है ये आ जाएगा मेरे पास यू सेट ही आ जाएगा, मीन्स के 1, 2, 3 अप टू सो ऑन ये 15 तक, मींस के यू सेट ही हमारे पास आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है,
तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इसे आप माइंड में रखिएगा, इसे मैं ऊपर यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। अभी मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, इसे मैं रेज करता हूँ। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप इसको वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन, ये 15 तक, ठीक है, इसे मैं रेज कर देता हूं। अब मैंने इसकी लेनी है जी राइट हैंड साइड, इसे मैं राइट हैंड साइड इसकी लिखने लगा हूं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले आप पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लें, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसे हमने U में से माइनस करना होता है जी। पहले U सेट लिखें, U सेट हमारे पास क्या आएगा, U है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 15 तक, ठीक है। माइनस A सेट लिखें, A सेट हमारे पास आ जाएगा जी 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, ये आएगा 13 तक, ठीक है। तो बेटा इनको कर दें आप माइनस, अब जब माइनस करेंगे तो बेटा इनमें से 1 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, आगे 5 आएगा वो भी कैंसिल, ठीक है, फिर आगे 7 आएगा, 11, मींस के जो ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 तक, ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे। बचेंगे कौन से, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ग्रीन के साथ, ये बचेंगे मेरे पास 2, फिर मेरे पास बचेगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, फिर उसके बाद आ जाएगा मेरे पास भाई यहाँ पे 14 एंड 15 भी बच जाएगा, ठीक है। तो ये भाई ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने वाले हैं, ये आएगा मेरे पास यू माइनस बी जी। पहले यू सेट लिखे, यू सेट यही है, इसी को आप यहां पे दोबारा जो है वो लिख ले, सो ऑन ये 15 तक आ जाएगा। माइनस बी सेट लिखे, बी मेरे पास है 2, 4, 6 एंड सो ऑन ये 14 तक आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इनका जो कैंसिल होने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आएगा, बेटा कैंसिल हो जाएंगे, आप यहाँ पे इवन नंबर कैंसिल होंगे, देखें 2 हो जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10, 12, 14 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे जो बचेगा वो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 14 तो कैंसिल, फिर यहाँ पे बचेगा मेरे पास 15। तो भैया मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ये लिखा है रेड से और ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा है ग्रीन से, ठीक है। तो बेटा इनको आप यहां पे लिखें, अब इन दोनों का कंबाइन जो है वो हमने यूनियन फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर आ जाएगा भाई, इन दोनों सेट्स को लिखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 2, 4, 6, 8, 10 अब टू सो ऑन ये 14 तक आ जाएगा। यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखें 1, 3, 5 अब टू सो ऑन ये 15 तक आ जाएगा। बेटा जब इनका हम दोनों का यूनियन लिखेंगे तो यूनियन के अंदर जो है दोनों सेट्स को इकट्ठा हम एक ही सेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास यूनियन आ जाएगा। अब ये 1, 2 अप टू सो ऑन 15 तक, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन ये हम 15 तक इसको जो है वो लिख देंगे। अब देखें एक ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैंने ये ऊपर पहले से लिखा हुआ था ये वाला, अब देखें दोनों का आंसर सेम आ गया, तो यहां पे हम लिख देते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब हमने इनको जो है वो यहां पे इसको विन डायग्राम में भी शो करवाना है, तो इसको मैं ये ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास ये था भाई ए, मैंने फर्स्ट वाला किया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल, ये आया है जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब भाई अब यू सेट जो था बेटा ये सारा यू सेट है, अब इनको दोनों को मैंने अकेला अकेला क्यों लिखा भाई, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है, जो बी के अंदर एलिमेंट है वो ए में नहीं है, दोनों सेपरेट मीन्स के दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स वाले सेट्स हैं, इसीलिए दोनों जो है वो अलग अलग होंगे। अब जो है अब जब आप इसको जो है वो करेंगे, आप इसको शेड करेंगे, तो शेड के अंदर इसका जो सारा एरिया है वो यही वाला सारा ही आ जाएगा।
ठीक है, इसमें ए भी आ जाएगा, इसमें बी भी आ जाएगा। देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वही राइट हैंड साइड का आंसर आया, और उसमें सारे एलिमेंट्स आ गए हैं आपके जो ए में थे। ए के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो मैं लिख देता हूँ, वो क्या थे, वो थे आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। सिमिलरली आप बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिख दें, 2, 4, 6, 8, 10 फिर 12 एंड 14 इस तरह। अब ये सारा जो है वो इनको आप कर दें जी कंप्लीट, आप इसको जो है वो सारे को शेड कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लाइंस लगा देंगे, ए भी शेड हो जाएगा, बी भी शेड हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ जो था ये वाला हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो बेटा अब हम मूव ऑन करेंगे इसी के सेकेंड लॉ की तरफ, सेकेंड लॉ को हमने प्रूव करना है, तो इसको बाकी मैं रेस कर देता हूँ। ये आप देखेंगे बेटा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, आप लोगों के लिए ही तो वीडियो बनाई जाती है, जब आप उसका रिस्पांस ही नहीं देंगे फिर मज़ा नहीं आता ऐसे वीडियो बनाने का जी। बेटा अब हम इसी के जो है वो सेकंड लॉ को हम प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको वेरीफाई करेंगे। ए इंटर यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है अभी, तो ये मैंने इसका जो है वो वेन डायग्राम बना ली है ए के अंदर, ये ए मैंने ग्रीन से लिखा है, आपको नजर आ रहा होगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा आप जूम कर लें तो आपको बेहतर तरीके से नजर आ जाएगा। ये मैंने जो है डिफरेंट करने के लिए इसको नाम दिया है, ठीक है। अब बेटा हम इसकी फर्स्टली हम इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड करें, पहले बेटा ए की वैल्यू लिखें, ये मेरे पास है 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ये 13 तक आ जाएगा, फिर आ जाएगा भाई यूनियन बी का, बी सेट लिखें 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, ये 14 तक, ठीक है। तो बेटा यूनियन तो बहुत इजी है लेना, यूनियन के अंदर दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे इकट्ठे एक ही सेट के अंदर, ए यूनियन बी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, ये 14 तक जो है ऐसे आ जाएंगे। अब हम लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है हमने उसको यू में से माइनस करना होता है, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम करेंगे जी यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। पहले यू सेट लिखें, यू सेट क्या था मेरे पास, यू सेट ये दिया हुआ है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये है 15 तक, फिर भी इसके बाद फिर आप ए यूनियन बी लिखें जो हमने अभी फाइंड किया है, ये मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ ग्रीन से, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, ये आगे इसमें अंदर चला जाएगा वो, ये हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये 14 तक जो है ये ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब बेटा इन दोनों का हमने लेना है, इनका इनका डिफरेंस लेना था, तो मैंने इसको यूनियन से कर दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली थी, तो ये बेटा यहाँ पे इसको मैं माइनस कर दिया, ये देखें, ठीक है, ये ग्रीन से मैंने इसको माइनस किया है। तो बेटा इन दोनों को आप जो है ऐसे, ठीक है, आप इन दोनों को कर दें माइनस, जो एलिमेंट्स यहाँ होंगे और यहाँ भी होंगे वो सारे के सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 1, 2, 14 इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14 तक, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14 तक इसी में भी हैं, वो दोनों कैंसिल, सिर्फ आपके पास जो बचेगा वो 15 बच जाएगा। मीन्स के आपके पास जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया है वो आया है आपके पास भाई 15। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जी, राइट हैंड साइड उसमें हमने लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा देखें ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने, तो उसे हम लिखेंगे यू माइनस ए, यू लिखें सबसे पहले, यू मेरे पास है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये है जी 15 तक, ठीक है। फिर माइनस ए सेट लिखें, ए मेरे पास है 1, 3, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ये है मेरे पास भाई 13 तक, ठीक है। तो बेटा इनका आप जब माइनस करेंगे दोनों को, यू में से ए को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बेटा जो ऑड नंबर हैं इसके अंदर आने वाले ऑड नंबर हैं वो इन ऑड नंबर से कैंसिल हो जाएंगे। देखें ये 1 भी कैंसिल, इधर से 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, इधर से 3 कैंसिल, इधर 5 आएगा वो भी कैंसिल, 7 आएगा वो भी कैंसिल, ठीक है, और आगे 11, 13 तक कैंसिल, इधर जो बचेंगे वो 2, ये मैं रेड कर देता हूँ 2, फिर बचेगा 4, फिर बचेगा 6 अप टू सो ऑन, ये 14 तक जो है एलिमेंट बचेंगे, 14 और 15 भी साथ शामिल होगा, ये 14 एंड 15, ठीक है। इस तरह जो है हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा। फिर हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी,
ये आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। इसे लिखें आप, ये यू माइनस बी इज इक्वल टू यू सेट लिखें सबसे पहले, वन टू थ्री अप टू सॉन, ये आ जाएगा बेटा 15 तक, ठीक है। माइनस लगा के हमने फाइंड करना है जी बी का कम, बी के साथ इसका डिफरेंस लेना है। बी हमारे पास है 2 अप टू सॉन, 2, 4, 6 अप टू सॉन, ये है 14 तक, ठीक है। तो इसमें से जो बचेगा हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे वो आ जाएंगे बेटा इसके जी। अब इसमें आ जाएगा आपके पास 2, 4, 6, 8 इसी में आने वाले, इसमें से कैंसिल जो बचेंगे वो 1, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, आप 1 फिर 3 फिर 5 अप टू सॉन 13, ये 14 भी कैंसिल, 15 बच जाएगा, 1, 3, 5, 13 फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13 एंड 15, तो ये बचेगा हमारे पास बेटा इसका, ठीक है। अब हमने लेना है इन दोनों का, ए का और बी का इंटरसेक्शन, ये आप ये वाला देखें जरा, ये फाइंड करने वाले हम जी। अब हम इसका करेंगे जी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों में जो सांझी चीजें हैं, जो एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, वो दोनों में मौजूद होंगी, वही हम पकड़ के बाहर निकालेंगे, वही हमारा कॉमन एलिमेंट होगा जी बेटा। ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट अभी हमने ये लिखा है 2, 4, 6, 8 अप टू सॉन 14 एंड 15, फिर जी कॉम्प्लीमेंट बी हमने अभी ये लिखा हुआ है 1, 3, 5 अप टू सॉन 13 एंड 15, ठीक है। तो बेटा इन दोनों के अंदर 15 के अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, देखें 2, 4, 6, 8, 10, 14 तक यहाँ पे है, 1, 3, 5, 7, 9, 13 तक यहाँ पे है, मतलब इन दोनों के अंदर 15 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये आ गया हमारे पास बेटा 15, तो ये इसको आप सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो बेटा ये एलिमेंट ये देखें, ये भी 15 और ये भी 15, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हिंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हम आते हैं जी वेन डायग्राम की तरफ, वेन डायग्राम की तरफ आए जी, इसको हमने शेड कैसे करना है जी। तो बेटा आप सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखें, ए के अंदर ए के एलिमेंट कौन से बनते हैं, ए के एलिमेंट से मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 के बाद 9, 11 एंड 13, ठीक है, ये मैंने ए के अंदर लिख दिए। बी के अंदर एलिमेंट्स लिखें वो कौन से थे, वो भी रेड से लिख देता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स ए और बी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग लिखे हैं, क्यों, इनके अंदर कुछ भी सांझी चीज नहीं है, इनके अंदर कुछ भी ऐसा चीज है जो कॉमन नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। हमारे पास जस्ट 15 बचा है जिसको हमने शेड करना है। अब इसके अंदर 15 जो है आप यहां लिखें, यहां लिखें, इसमें इसके दरमियान में जहां मर्जी लिख दें, तो मैं इसको 15 को यहां लिख देता हूं। अब ये बात नहीं है कि हमने सिर्फ इतनी चीज को जो है ये शेड कर देना, नहीं, ये ए और बी के अलावा सारा जो है ये हमारा शेड हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का भी यही वेन डायग्राम है, राइट हैंड साइड की भी यही वेन डायग्राम है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा, इसको आप लाइंस लगा दें ऐसे, और या इसको आप फुल भर दें, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ए और बी के अलावा जो है ये सारे का सारा एरिया जो है ये शेड होने वाला है, तो इसको मैंने शेड कर दिया। इसी तरह जो है आपका आज का ये क्वेश्चन जो था 5 वाला आज कंप्लीट हो गया है। अभी तक अगर आपने चैनल को सिर्फ देखा है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सिर्फ वीडियो देख लिया, तो आप इसको काइंडली इसको जो है वो लाइक कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।